10 बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर स्टडी करेंगे। 4th चैप्टर एयर अराउंड अस, एयर की बात करेंगे जो कि हमारे आसपास है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, वी कैन लिव विदाउट फूड और फॉर ए कपल ऑफ डेज। देखिए, हम कुछ दिनों के लिए बिना भोजन खाए रह सकते हैं। वी कैन आल्सो लिव विदाउट वाटर फॉर ए कपल ऑफ आवर्स। कुछ घंटों के लिए हम पानी बिना पिए भी रह सकते हैं। वट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स। लेकिन हम कुछ मिनटों के लिए भी नहीं रह सकते बिना हवा के। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित चीज़ों के लिए जिनमें लाइफ है, जीवन है, उनके लिए क्या है, एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेज। देखिए, अर्थ क्या है, इसके सराउंडिंग मीन आसपास क्या एक थिक एक मोटी सी परत है एयर की, जो जिसमें क्या है कई सारी ट्रांसपेरेंट मीन जो कि जिनके आर पर दिखता है ऐसी ट्रांसपेरेंट क्या है गैसेज की बनी हुई है। मीन्स अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के ऊपर जो थिक लेयर है आसपास एयर की, वो मिक्सचर से बनी हुई है, मिलावट से बनी हुई है कई गैसेज के जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, तभी तुम्हें दिखती नहीं वो। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफेयर। अब इस लेयर को, इस परत को हम क्या कहते हैं, एटमोसफेयर कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के बिना अर्थ वुड रिमेन ए फ्रोजन। अर्थ क्या है, फ्रीज हो जाएगी, लाइफलेस प्लेनेट हो जाएगा स्पेस में, लाइक एनी अदर प्लेनेट। जिस तरह की बाकी प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ नहीं है, तो एयर के बिना क्या है, हमारा जो प्लेनेट होगा वो लाइफलेस हो जाएगा, बिना जीवन के हो जाएगा। इन फैक्ट एटमोसफेयर दैट वी लिव इन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस चेंजेस विच स्टार्टेड अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स एगो। तो देखिए, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं आज की डेट में, ये किससे रिजल्ट से हुआ, ग्रेजुअल मीन आहिस्ता आहिस्ता, कॉन्टिन्यूस मीन लगातार चेंजेस होते रहे, धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते रहे। कितने साल पहले, 4600 मिलियन ईयर्स पहले, तो वर एनर्जाइज्ड बाय द सन, और सन की एनर्जी से जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जाइज होता गया, तो जिसके कारण आज हमारा अर्थ जो है लाइफ देता है। लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द एयर दैट एनवेल्प द अर्थ। तो देखिए, आइए स्टडी की बात करते हैं, एयर की स्टडी जो कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर मीन एयर वाला पार्ट कैसे, किस चीज़ का बना हुआ है। एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स। इसमें देखिए, 4 तरह की अलग अलग लेयर्स हैं हवा की। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। आइए डिस्कस करते हैं हर एक को डिटेल में। तो देखिए, बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर के इट इज़ द डेंसेस्ट मीन सबसे भारी लेयर है एयर की, जिसमें ज़्यादा वजन है। दिस इज पोर्शन वी लिव इन एंड इज। तो देखिए, जिस पोर्शन में हम एयर के रह रहे हैं उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और ये सबसे भारी है। देयर फॉर मोस्ट फैमिलियर टू अस, इसलिए हम इसको ज़्यादा जानते हैं। इट इज़ दिस लेयर ऑफ द एटमोसफेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल। तो देखिए, ये वही पार्ट है हमारा एटमॉस्फेयर का जहाँ पे सारा वेदर मीन मौसम बदलता रहता है। कहीं बरसात होती है, कहीं स्नोफॉल होती है, कहीं अंधेरी चलती है, कहीं तूफान चलते हैं, सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो किसके कारण, वाटर वेपर्स के कारण और डस्ट पार्टिकल्स के कारण। इसके अंदर इन द ट्रोपोस्फेयर जो है, ऑन एन एवरेज की बात करें, टेम्परेचर डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 1 डिग्री सीप एवरी 165 मीटर असेंड। अगर हम 165 मीटर ऊपर जाए ऊंचाई में, तो हर 165 मीटर पे, 165 मीटर अप जाने पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फॉल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मली इसको लैप्स रेट से हम रेट करते हैं भी, हर 165 मीटर अप जाने से 1 डिग्री सी जो हमारा टेम्परेचर डाउन होता है उसको हम नॉर्मल लैप्स टाइम कहते हैं, रेट कहते हैं। तो देखिए, इस डायग्राम में देखिए आपको दिखा रखा है, सबसे नीचे क्या है, ये जो है अपना ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर देखिए थर्मोस्फेयर है। तो चार स्फीयर्स बता रखे हैं, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ वाई जो टेम्परेचर जो है वेरी लो है हाई माउंटेन्स पे। यही कारण है कि माउंटेन्स पे हाइट बढ़ने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो देखिए, ये हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, ये देखिए यहाँ तक है, अर्थ के इस एरिया तक है। तो नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो अबव द लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। तो देखिए, ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता है, कालम एंड क्लियर एयर है विच इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए, साफ एयर मीन्स कहने का साफ, क्लियर एयर का मतलब बादल नहीं, वहां पे वेदर नहीं होता वहां पे, इसलिए उसको क्लियर एयर कहते हैं। द टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल, इस लेयर में ना तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ना वाटर वेपर्स हैं और ना ही देखिए बादल होंगे, जिसके कारण जो प्रिवेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स का। थर्स इट प्रोवाइड्स विजिबिलिटी, तो इसमें ज़्यादा विजिबिलिटी है, ज़्यादा दिखने योग्य है। तो एयरक्राफ्ट ऑफ्टन फ्लाई थ्रू द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज इट फैसिलिटीज द विजिबिलिटी एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू ईजी फ्लाइंग कंडीशन। तो यही कारण है जो एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर की निचली परत में ही उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ बादल नहीं होते, जिसके कारण उनको विजिबिलिटी रहती है। द जोन which demarcates line of the separation between these two layers, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, जो देखिए ये हमारा ट्रोपोस्फेयर था, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, बीच की जो लाइन है जहाँ से ये बदलता है उसको कहते हैं देखिए अपना ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज में ट्रोपोपॉज हो गया, मैं आगे स्ट्रेचो शुरू हो गया। तो बात करते हैं टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के निचले पार्ट में जहाँ शुरू होता है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। तो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है। स्पेशल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये O3 की फॉर्म में होती है। ये ओजोन लेयर होती है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एज इट फिल्टर एंड ऑब्जॉर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सर्फेस, क्योंकि ये हमारे अर्थ के सर्फेस तक आने से किसको रोकती है, फिल्टर करती है और ऑब्जॉर्व करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को। कौन करती है, ओजोन लेयर। तो लेयर देयरफॉर एक्ट्स एज ए शील्ड, ये हमारी शील्ड की तरह, कवच की तरह काम करती है ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर ना होती लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमारे सरफेस पे जो अर्थ की जो लाइफ है वो पॉसिबल ना होती। देखिए डू यू नो में है अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज। तो देखिए अगर ना होती ओजोन लेयर तो आपको पता ही है, डू यू नो में बता रखा है कि इससे स्किन कैंसर हो जाता है, जो डिफरेंट तरह की एलर्जीज हो जाती, जिससे लाइफ खत्म हो जाती। तो स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाएंगे तो क्या है, अगले लेयर है मेसोस्फीयर। तो अब द स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, अनदर लेयर है जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। ये कोल्ड लेयर, ठंडी लेयर है जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई की तरफ जाएंगे। तो मेट्रॉइड्स बर्न इन दिस लेयर, तो जितने मेट्रॉइड्स में स्पेस से कोई भारी भरकम कोई बॉडी हमारी अर्थ में एंटर कर जाती है तो वो देखिए इसी लेयर में मेसोस्फीयर में ही बर्न होकर ख़त्म हो जाती है, हमारे तक पहुंचती नहीं है। तो सबसे ऊपर क्या है, थर्मोस्फीयर है सबसे अपर लेयर। अबव द मेसोस्फीयर इज थर्मोस्फीयर वेयर द एयर इज़ वेरी थिन, जहाँ एयर बहुत पतली है। इन दिस लेयर थर्मोस्फीयर इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि आयन पार्टिकल्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन में। तो दीज आयन पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं ये और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो देखिए थर्मोस्फीयर जो है हमारा वहाँ पे क्या था, आयन की पार्टिकल्स हैं, आयन पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव। उसमें देखिए वायरलेस जो कम्युनिकेशन है हमारी वहीं से होती है। तो जो रेडियो वेव्स हैं कैन बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेज थ्रू दीज आयन पार्टिकल्स, क्योंकि देखिए जिस तरह कंडक्टर होता है ना बिजली को आगे फ्लो करता है, उसी तरह आयंस के कारण क्या है जो वायरलेस अपनी जो कम्युनिकेशन जो रेडियो वेव्स हैं वो इन्हीं आयंस की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाती हैं। तो दे इनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर द अर्थ सरफेस, इसी के लिए हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है बिना तार के वो पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि तार का काम ये आयन के पार्टिकल्स करते हैं। बियॉन्ड द थर्मोस्फीयर, अब थर्मोस्फीयर के और ऊपर जाएँ अबाउट 1600 किलोमीटर, तो क्या है अर्थ इज एटमोसफेयर इज मर्ज्ड विद द वेरी थिन गैसेज ऑफ आउटर स्पेस। तो उसमें क्या है आउटर स्पेस शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही पतली सी गैसेज होंगी। तो नेक्स्ट है डू यू नो में इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की अपर लेयर में माइक्रोस्कोपिक जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी लेयर की बात कर रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं थर्मोस्फेयर की, तो इसमें क्या होता है देखिए जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं किसको, जो सन रेज आती हैं, और उसमें से सभी के सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्सेप्ट ब्लू, ब्लू कलर को छोड़ के। तो इसलिए जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू कलर दिखता है, गिव्स ब्लू कलर टू द स्काई। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो चीज़ जैसे दिख रही है वो उसी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती तभी दिखती है। तो देखिए जितनी भी ये पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, ये सभी के सभी प्रकाश में से कलर थे उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है लेकिन ब्लू को छोड़ देता है, इसलिए जो स्काई है हमारा वो ब्लू कलर का दिखता है। तो बात करते हैं एयर एंड इस कंपोजिशन की। तो एयर विच वी इनहेल, जो हम अंदर लेते हैं सांस में, इज़ नॉट ए सिंगल गैस, इसमें सिंगल गैस नहीं बट ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, इसमें कई प्रकार की गैसेज का मिक्सचर है। इट इज़ फाउंड दैट, ये पाया गया है दैट अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से। द प्रोपोर्शन ऑफ थ्री मेजर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज यूनिफॉर्म। तो देखिए 90 किलोमीटर तक हमारी अर्थ से ऊपर की तरफ जाए 90 किलोमीटर तक, तो जो तीन गैसेज है उनकी जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो बराबरी है। तो देखिए मेजर जो गैसेज हैं वो कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन 90 किलोमीटर के बाद क्या है? कंपोजिशन बिगन टू चेंज। जब कंपोजिशन है इनका जो रेशियो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी उन गैसेज की जो लाइटर गैसेज है, जैसे कि हीलियम। तो अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज एयर इज आल्सो। तो देखिए इसमें आपको दिखा रखा है 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% के आसपास है। अदर गैसेज 0.17 है, आर्गन 0.90 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज एयर आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो एयर में देखिए इन गैसेज के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल, धूल के कण भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं। और स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इन कणों का एटमोसफेयर में। तो बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन द एयर। तो एयर में देखिए 78% जो पार्ट है वो नाइट्रोजन है। इसी के कारण जो मोस्ट प्लेंटीफुल, ये एक बहुत बढ़िया गैस है, बट इट हैज़ लिटिल डायरेक्ट इंपॉर्टेंस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसकी जो फायदा है वो कम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। व्हेन वी इनहेल एयर, जब भी हम एयर को लेते हैं, मेजर अमाउंट जो नाइट्रोजन की होती है इज नॉट यूटिलाइज बाय द बॉडी। हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं करती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ जो प्लांट्स ऑब्जॉर्व करते हैं नाइट्रोजन थ्रू द सॉइल, दिस इज यूज बाय द प्लांट्स टू सपोर्ट देयर लाइफ। लेकिन जो नाइट्रोजन पौधे जमीन में से लेते हैं उसको वो यूज़ करते हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। इसलिए नाइट्रोजन इनडायरेक्टली यूजफुल है टू द अस। तो डायरेक्ट वे में नहीं हम ले सकते इसको, इनडायरेक्ट वे में आप अर्थ की हेल्प से ले सकते हैं, जमीन में से पौधे ले सकते हैं इसको। सेकंड है ऑक्सीजन। इट इज़ सेकंड मेजर गैस, सेकंड नंबर पर जो मेजर वॉल्यूम में है, जो कि 21% है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर ह्यूमन बींग्स है चाहे एनिमल्स हैं, वो इनहेल क्या करते हैं, किस गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन को सराउंडिंग से अपने, ताकि वो स्टे अलाइव मीन जिंदा रह सकें। ऑक्सीजन इज नोन एज लाइफ सपोर्टिंग गैस, जिसको लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैस भी कहा जाता है। एटमोसफेयर इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड ऑफ द ऑक्सीजन बाय ग्रीन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो ऑक्सीजन है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड मीन्स पूरी होती रहती है किनके द्वारा? ग्रीन प्लांट्स द्वारा, जो कि फोटोसिंथेसिस मीन भोजन बनाते हुए इस गैस को दोबारा बनाते रहते हैं, ऑक्सीजन को खत्म नहीं होने देते, CO2 को द्वारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते रहते हैं। दिस कीप्स ए हेल्थी बैलेंस। इससे क्या है? हेल्थी बैलेंस जो है ऑक्सीजन का एयर में बना रहता है। देयर फॉर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड बुशेज। इससे क्या है? जो ट्रीज हैं, बुशेज हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए इस बैलेंस गैस का बनाते रहते हैं, उसको कन्वर्ट करते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में। तो थर्ड गैस की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो इट्स कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी स्मॉल परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज में है, 0.03% ही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट गैस। ये हमारी लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द सन। ये सन से जितनी एनर्जी है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और वार्म मीन्स गर्म कर देती है हमारे लोअर एटमोसफेयर को। तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल जो है रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कब? जब हम सांस छोड़ते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ग्रीन प्लांट्स ड्रॉ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाने के समय। इन दिस वे बैलेंस क्या है? मेंटेन होता रहता है एटमॉस्फेयर में इस गैस का, CO2 का। इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एयर, अगर ये एयर में ज़्यादा हो जाएगी, इट कैन एडवर्सली इफेक्ट द लिविंग बींग्स। ये क्या है? पौधों को, जीवों को अफेक्ट कर देगी, क्योंकि सिंस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू ऑब्जर्व द हीट, क्योंकि ये हीट को सोख लेती है। तो इससे क्या है? ज़्यादा होने से क्या होगा? हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेयर का, जिससे क्या है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होगा? हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो जाएगा, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो विच इज़ थ्रेटनिंग टू द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लैनेट, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है इस लाइफ का वो थ्रेटन मीन्स खतरे में आ जाएगा। तो मीन्स इसकी जायज़ मात्रा ठीक है, नजायज़ मात्रा में खराब है। तो डू यू नो में देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय मिनिमाइजिंग। तो किस चीज़ को मिनिमाइज करके हम ग्लोबल को वार्म होने से रोक सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करके और CFCs और मीथेन गैस का कम यूज़ करके हम ग्लोब को हीटअप होने से, गर्म होने से बचा सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री गैसेज, इन थ्री गैसेज के अलावा एटमोसफेयर में क्या है? सम अदर गैसेज भी हैं, आर्गन है, हीलियम है, मीथेन है, जो कि स्मॉल मीन्स बहुत कम वॉल्यूम में है। द वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। तो जो वाटर पार्टिकल्स पानी के कण हैं, डस्ट पार्टिकल धूल के कण हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एटमोसफेयर में। दे हैव देयर ओन रिलेवेंस, उनका अपना एक मकसद है। तो एटमोसफेयर आल्सो होल्ड सॉल्ट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। तो एटमोसफेयर में देखिए धूल के कण भी हैं, सॉल्ट भी हैं, पोलेंस भी हैं जो पौधों के होते हैं अपन। तो दीज डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस अराउंड विच वाटर वेव्स गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म द क्लाउड। तो इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस सब क्रिएट करेंगी, जिससे वाटर वेपर से वो कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड्स में बादल बनते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर। तो जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दो हिस्सों में बनाया गया था, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं।